येस yes, स्टूडेंट्स आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का इस्तेमाल ग्रेड टेन मैथमेटिक्स तो जिसमें फार्मूलों के इस्तेमाल से आइडेंटिटीज़ जिनको बोलते हैं फार्मूले जिनको बोलते हैं तो फार्मूलों के इस्तेमाल से अभी एक्सरसाइज जो है वो है एट पॉइंट फोर पुरानी बुक में और नई बुक में एक्सरसाइज़ है एट पॉइंट थ्री तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास तीन नए फार्मूले हैं तीन नए फार्मूले कौन कौन से हैं साइंसके थिएटर प्लस कॉर्स्वेयर थिएटर इज इक्वल टू वन दूसरा है वन प्लस टेन्न स्केय थिएटर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्र थिएटर तीसरा है वन प्लस कॉर्स्क थिएटर इज इक्वल टू कोसिकंड स्क्र थिएटर सिर्फ तीन फार्मूले जो हैं वो नए हमने करने हैं इसके अलावा हमने छोटी चीज़ें पहले क्या सीखी हैं कि साइन थिएटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ओवर साइन इज इक्वल टू थीटा सिमिलरली वन ओवर साइन थिएटा इज इक्वल टू वन ओवर कॉस इज इक्वल टू वन अवर सीकंडा इज इक्व टू कॉ थीटा एंड वन अवर टेंटर इज इक्ट टू कॉर् थीटर थीटा इज टेन थीटा दीज आर द थिंग्स वी हैव लर्न ऑलरेडी हमने पहले से सीखी हुई है और आज फिर तीन नए फार्मूले हैं तो हर एक फार्मूले से दो और फार्मूले निकल के आते हैं जैसे ये पहला फार्मूला है साइंस के थिएटर प्लस कॉस्टर थीटर इज इक्व टू वन तो हम कॉर्स्वर को उधर अगर उधर ले जाए तो नया बन जाएगा साइंस के थिएटर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस्के थीटा और अगर हम इसमें से कॉस्क्र को साइंस स्क्वेयर को तो ले जाएं तो मन जाएगा कॉस्केयर थीट्टा इज इक्वल टू वन माइनस साइंस केयर इसी तरह से वन प्लस टें स्के थीटा से भी दो फार्मूले और बनते हैं कैसे कि अगर हम टें थीटा को इस तरफ ले जाएं तो हो गया हमारे पास सीक्न स्क्वेयर थीटा माइनस टें स्स्कयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस इज इक्वल टू वन या फिर हम सिर्फ वन को उधर ले जाएं हम वन को उधर ले जाएं तो आ जाता है टें थेटा इज इक्वल टू सिक्ड स्केर थीटा माइनस वन इसी तरह से वन प्लस कॉस कॉस्केयर थीटा इक्वल को सिकंडस्केयर थीटा से भी दो और फार्मूले बन जाते हैं तो ऐसे ही इसके भी दो इसके भी दो इसके भी दो लेकिन बेसिकली ये तीन ही फार्मूले हैं जो नए जो हमने सीखने हैं एक दो और तीन तो इसके बेस के ऊपर आपकी बुक की इस लेसन की आखिरी एक्सरसाइज है नई बुक में एट पॉइंट थ्री और पुरानी बुक में एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर तो उसके कुछ क्वेश्चन हम अभी करेंगे आज कवर करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें वैल्यूज निकालनी है कुछ क्वेश्चंस की जिसमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है नाइन स्क्यर थीटा माइनस नाइन स्क्र ए नाइन सेकेंड स्क्र ए माइनस नाइन ए तो सिंपली नाइन कॉमन आने पे हमारे पास अंदर आ गया सिकेंड स्केयर ए माइनस ए अब फॉर्मूला देखें सिकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा वन होता है राइट तो सिकेंड स्केयर थिएटा सिकेंड स्क्र ए माइनस टेन स्केयर ए तो वन आ गया तो फिर वैल्यू आ गई नहीं जब भी आप कोई फार्मूला लगा रहे हैं तो उस फार्मूले को ऐसे लिखना है साथ में बिकॉज और वो फॉर्मूला सिकेंड स्क्र ए माइनस टेन स्क्र ए इज इक्वल टू वन अब इसकी भी वैल्यू निकालनी है ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का वन प्लस टेन थेटा प्लस सेकेंड थीटा इन टू वन प्लस कॉर थीटा माइनस को सेकेंड थीटा तो इसमें हम पहले साइन और कॉस में लाएंगे सारी चीज़ों को इज इक्वल टू वन टेन होता है साइन ओवर कॉस ठीक है और सेकंड क्या होता है वहाँ से देखिए वन ओवर कॉस कॉट कॉट इज टैन का उल्टा यानी कॉस ऑफ ओवर साइन एंड को सेकेंड को सेकेंड ऐसे याद रखने से को सेकेंड वन ओवर को सेकेंड या को सेकंड इज वन ओवर साइन थीटा को सेकेंड इज वन ओवर साइन थीटा तो वन ओवर साइन स्टूडेंट्स अब हम निकाल लेंगे एलसीएम देखिए यहां पे एलसीएम आ गया कॉसिटा तो ऊपर आपका बन जाता है कॉसिटा प्लस साइन थीटा प्लस वन यहाँ पे आपका सेकंड ब्रैकेट में एल सी में आपका आ रहा है साइन थीटा तो ऊपर आपका बन जाता है साइन थीटा प्लस थीटा माइनस वन अब इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे भी नीचे तो स्टूडेंट सिंपल है साइन थिएटा इंटू थीटा अब ऊपर मल्टीप्लाई करने में हमारी काफ़ी टर्म्स बनने वाली हैं सारी बना लेते हैं थीटा से पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्टा इंटू साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थट्टा कॉस् थीटा कॉ थीटा इंटू माइनस वन माइनस थीटा अब साइन थिएटा से सबको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थिएटा से साइन थिएटर इंटू साइन थिएटा साइंस थिएटर साइंस थिएटा इंटू कॉस थिएटर साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है फिर आ आ गया हमारा साइन थीटा इंटू माइनस वन माइनस साइन थेटा अब वे आ गया वन वन से भी सबको मल्टीप्लाई करेंगे वन से भी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे ऐसे कैसे आ गए थीटा प्लस कॉस्टा माइनस वन ठीक है अब देखेंगे कटता क्या क्या है तो हमारे पास कट रहा है कॉस साइन थीटा ये तो दोनों प्लस के हैं कॉस्ट थीटा ये तो एक और चीज़ थी हाँ ये भी अकेला है ये भी अकेला है अब ये माइनस थीटा है ये प्लस है ये कट गए अब ये ये साइन थीटा माइनस का है ये प्लस का ये भी कट गए अब क्या क्या रह गया हमारे पास देखिए साइन थीटा थीटा प्लस साइन थीटा कॉर्सिट्टा दो बार आ गया तो टू साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है अब ये और ये तो अकेले अकेले हैं कॉस्केयर थीटा प्लस साइंसकेयर अब बच रहा है हमारे पास सिर्फ माइनस वन माइनस वन नीचे जो है वो है साइन साइंस कॉस कॉस्टर अब स्टूडेंट्स साइंस के थिएटर प्लस कॉस कॉस्क्य राइट साइंस क्यों थेटर प्लस कॉस कॉस्कर वन होता है ठीक है ना ये वन होता है तो इस दोनों की जगह पे वन लग जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन ठीक है साइन स्क्वेयर थेटर प्लस कॉस्क्त थेटर वन आ गया ये आ गया माइनस वन नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है वन से वन कट गया जब वन से वन कट गया तो हमारे पास बस यही दो चीज़ें रह गई हैं कौन कौन सी टू साइन थिएटा कॉस इट्टा और नीचे जो है साइन थीटा कॉस थीटा अब देखेंगे साइन से साइन कट रहा है कॉस से कॉस कट रहा है तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ गई टू ऐसे ही इसका इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके पास है इसकी भी वैल्यू निकालने को कहा है और साथ में चार ऑप्शंस दिए हैं तो भाई सबसे पहले साइन और कॉस में ले आते हैं चीज़ों को जैसे इसमें हमने क्या करा हम पहले साइन और कॉस में ले आए टैन को साइन ओवर कॉस लिख दिया सिकेंड को वन ओवर कॉस लिख दिया ऐसे ही इधर भी कॉट को कॉस ओवर साइन लिख दिया था को सिकंड को वन ओवर साइन लिख दिया था ऐसे ही यहाँ पर हम पहले चीज़ों को साइन और कोस में ले आएंगे तो सिकेंड क्या होता है आप अपना फिर से वो फार्मूला देखिए सिकेंड ये है सिकेंड सिकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस यानी सेकेंड है वन ओवर कॉस टेन इज साइन ओवर कॉस इधर तो भाई कुछ नहीं करना है इधर तो वैसे कैसा है अब यहाँ पे हमने अल्सिम ले लिया कॉ इधर तो आ गया वन प्लस साइन दूर क्या था वन माइनस साइन ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर ठीक है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर कॉस है आगे ए ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको अब वन माइनस साइंस के रे फार्मूले देखते हैं देखो वन माइनस साइंस के रे इज इक्वल टू कॉस के रे कैसे बना साइंस के तो जाके माइनस हो गया तो वन माइनस साइंस के इज इक्वल टू कॉस के रे तो ये लगा देते हैं वन माइनस साइंस के इज इक्वल टू कॉस केयर ए। तो ऊपर स्क्वायर है कॉस का नीचे सिंगल पावर है तो बच जाएगी एक पावर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फार्मूला फार्मूले का इस्तेमाल किया है तो हमें लिखना चाहिए फार्मूला कौन सा बिकॉज वन माइनस ये यहाँ पे नहीं अगले स्टेप में बिकॉज वन माइनस साइंस स्क्यर ए इज़ इक्वल टू कॉस ए ऐसे हमें लिखना चाहिए चलिए इसी इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट है इसमें वैल्यू निकालनी है हमने वन ओवर वन प्लस टेन स्केयर ए ओवर वन माइनस वन प्लस कॉर स्केयर ए तो स्टूडेंट्स ये दूसरा फार्मूला वन प्लस टेन स्केयर है सेकेंड स्केयर होता है और तीसरा फार्मूला वन प्लस कॉर्ड्स केयर एस इक्वल्टू को सिकंडस केयर है ये दोनों फार्मूला का डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं हम तो वन प्लस टेंस के रे हो गया सिकेंड्स के रे और वन प्लस कॉड्स केयर हो गया को सिकंडस् के रे ये तो कभी आसान सा लग रहा है अब सिकेंड को हम लिख देंगे वन ओवर कॉस ठीक है कि नहीं सिकेंड होता है वन ओवर कॉस तो सिकेंड स्केयर हो गया वन ओवर कॉस केयर तो सिकेंड स्केयर का हो गया वन ओवर कॉस कॉस्केयर और को सिक्ड स्क्र का वन ओवर साइन है तो वन ओवर साइंस के रे ठीक है तो अब आखिरी कार हमारे पास बच गया साइंस केयर ओवर कॉस केयर ए तो स्टूडेंट साइन ओवर कॉस होता है टेन तो साइंस क्य ओवर कॉस क्यर हो गया टें तो हमारी फिर ऑप्शन इसमें है ठीक ऑप्शन है डी तो ये एक क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन अब इसके बाद स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज प्रूव करनी है यानी कुछ एक्सप्रेशन प्रूव करनी है फार्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर फोर में में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे इसमें देखिए क्या होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है और राइट साइड राइट हैंड साइड पे पहुंचना होता है या राइट हैंड साइड से शुरू करना है तो लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचना होता है या फिर दोनों साइडों को अलग अलग सिम्प्लीफाई करना है और एक ही जगह पे पहुंच जाना होता है तो आप पीछे से बोल देंगे देरफो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चलिए देखते हैं इसमें क्या बनता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्केर कोसिकेंट होता है वन ओवर साइन थीटा कॉट होता है कॉस ओवर साइन थीटा का होल स्क्वेयर अरे भी ये भी साइन है ये भी साइन है तो एल्सी साइन आ गया और ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा वन माइनस इट्टा और ऊपर था स्क्वेयर अब एक चीज़ करता हूँ मैं कि वन माइनस इट्टा जो है ये जो स्क्वेयर है इसको अलग अलग -लग लगा देता तो हूँ ऊपर मैंने अलग लगा दिया और नीचे अलग लगा दिया ठीक है अब साइन स्केयर थीटा अब पहला फार्मूला देखें तो साइंस स्केयर थेटा प्लस कॉस्केयर थीटा वन है कॉस स्क्यर थीटा उधर चला जाए तो साइंस स्केयर थेटा की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस कॉस्केयर थीटा साइंस केयर थेटा की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस कॉस्केयर थीटा तो ये मैं लगा देता हूँ वन माइनस का होल स्केयर ओवर साइंस थीटा मतलब वन माइनस कॉ स्केयर थीटा अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है ए स्क्र माइनस बी स्क्र ऊपर तो है ना वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर सारे का स्क्वेयर नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये है ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर जिसका मतलब बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है ना ए के माइनस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी तो यार ये देखिए ये ऊपर कॉस माइनस वन माइनस कॉस थीटा की दो पावर हैं इधर एक है तो एक पावर कट गया यानी ऊपर वन माइनस कॉस थीटा दो बार है यानी स्क्वेयर का मतलब है दो बार है मल्टीप्लाई में तो एक बार का कट गया तो जो बच गया वो क्या है वन माइनस इट्टा ओवर वन प्लस इट्टा अरे यही तो प्रूव करना था ठीक है तो हमारा काम तो हो गया दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैं इनके आपको आप यहाँ से अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको फोटो खींच के भेज दूँगा अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में प्रूव करना है हमें तो हो जाते हैं शुरू उसमें क्या सोचना है जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये काम शुरू किया और ले लिया एल सी एम राइट तो एल सी एम लेंगे तो ये ये इंटू ये एल सी एम आ जाएगा ये इंटू ये अब अगर हम थियोरेटिकली सोचे तो एल सी एम को इससे डिवाइड किया एल सी एम को इससे डिवाइड किया तो ये कट गया रह गया कॉस्ट तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करने पे बन गया कॉस केयर ए इसी तरह से अब इसके लिए हमने एलसीएम को कॉस से डिवाइड किया कॉस से कॉस कट गया तो बच गया वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए की वन प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी स्क्वेयर हो गया वन प्लस साइन दो बार आ गया तो वन प्लस साइन का स्क्वेयर हो गया आगे क्या करना है कि हमने नीचे कुछ नहीं छेड़ना नीचे वाले ब्रैकेट को नहीं खोलना है ऊपर इसको भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते ये जो है वन प्लस साइन साइन ए का होल स्क्र इसको खोल लेते हैं ठीक है ना ए प्लस बी का होल स्क्र ए स्क्यर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए पी अभी आप देखेंगे साइंस केयर प्लस कॉस केयर इसको इकट्ठा कर ले अगर तो ये तो बन जाएगा वन ठीक है ना साइंस केयर प्लस वन कॉस केयर इसको इकट्ठा कर लें तो ये बन गया वन ये वाला वन भी है और ये आ गया जी टू साइन ए ओवर वन प्लस साइन ए इ ठीक है अभी यहाँ पे हमने फार्मूला इस्तेमाल किया तो हमें लिखना चाहिए बिकॉज साइन स्क् ए प्लस कॉ स्क्र इज इक्वल टू वन ये फार्मूला लिखना चाहिए अब वन प्लस वन हो गया जी टू टू प्लस टू साइन ए ओवर वन प्लस साइन ए इ टू कॉस ए तो टू कॉमन लेने पे वन प्लस साइन ए ओवर ए टू पर कॉमन लिया और कुछ नहीं कह रहा मैंने तो आप देखेंगे वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट रहा है सीधा तो हमारे पास रह गया टू ओवर कॉसे तो वन ओवर कॉस है क्या होता है वन ओवर कॉसे क्या होता है देखिए फिर से वन ओवर कॉस होता है secant तो वन अवर कॉस बन गया सेकेंड और टू अपनी जगह पे खड़ा है अरे यही तो प्रूव करना था देखिए यही प्रूव करना था तो दिस इज इक्वल टू तो राइट हैंड साइड अब चलते तो हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन नंबर थ्री में प्रूव करना है हमें इसका थर्ड पार्ट हमने प्रूव करना है देखिए टेन थीटा ओवर वन माइनस कॉ थटा प्लस थीटा ओवर वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू तो वन प्लस सेकेंड थीटा टेन थीटा तो लेट स्टार्ट वर्क लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू तो ऐसे ही कर लेते हैं सीधा रास्ता तो ये है कि सारे को साइन ओवर साइन और, और कॉस बना दो टेन को साइन ओवर कॉस कोट को कॉस ओवर साइन यहां पे भी सीधा रास्ता तो ये है चलिए हम अपने सीधे रास्ते से करते हैं तो साइन थीटा को मैंने बना दिया साइन ओवर कॉस साइन थीटा ओवर थीटा वन माइनस कॉट थीटा को बना दिया थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉर थीटा हो गया जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और टेन थीटा हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ठीक है जी अब हम नीचे ऊपर अभी कुछ नहीं करते हैं चलिए ऊपर को ऐसे रहने देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और नीचे एलसी में ले लेते हैं वन माइनस साइंस इट्टा माइनस कॉस इट्टा हो जाएगा यहां पे भी ऐसे कर लेते हैं ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे कॉस इट्टा ओवर साइंस इटा और नीचे एलसी में ले लेते हैं एल सी में आ गए जी कॉस इट्टा तो इधर बन जाएगा कॉस इट्टा माइनस थीटा स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि ओवर का ओवर ऊपर चला जाता है हमारे पास ऊपर क्या है साइन थीटा ओवर थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा माइनस थीटा अब ओवर का ओवर है साइन तो ये चला जाएगा ऊपर तो साइन थीटा आ गया हमारे पास ऊपर ठीक है ना ऐसे ही ये भी कॉसिटा ओवर का ओवर है ये ऊपर आ जाएगा ये कॉसिटा आ गया ऊपर ठीक है अब नीचे रह गया कॉसिटा माइनस साइन सिटा अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है देखो साइंस साइंस थीटा इंटू साइंस थीटा क्या होता है साइंस के थिएटर साइंस थिएटर इंटू साइंस थीटा साइंस थीटा, कॉस थीटा ओवर में है तो ओवर में आ गया इसी तरह से ये कॉस इंटू कॉस होता है के थीटा। और ये ओवर साइन थे टा ओवर में है तो ये ओवर में आ गया अब थोड़ा सा चेंज हम करेंगे हल्का सा ये साइन माइनस कॉस है ये कॉस माइनस साइन है दोनों को एक जैसा बनाने के लिए इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं वो माइनस कॉमन इधर आ जाएगा यहाँ पे। और कॉस माइनस का हो जाएगा साइन प्लस का हो जाएगा ठीक है क्या करना है अब हमने ये वाला माइनस जो है यहाँ से माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर रख लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस जो निकला बाहर को ये ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है साइन थीटा अपनी जगह पे है अब ये कॉस थीटा माइनस का हो गया है और माइनस का साइन थीटा प्लस का हो गया है अब ये और ये एक जैसे है अब हमें एलसीम लेना आसान है ठीक है ना जब हम एलसीम लेंगे तो ये इंटू ये इंटू ये आ जाएगा ठीक है जी ये इंटू ये इंटू ये आ जाएगा तो साइंस के थिएटर एलसीएम सारे का सारा आ जाएगा कॉस थीटा एंड थीटा माइनस थीटा राइट एलसीएम में क्या आ जाएगा कॉस थीटा और ये दो, दो बार लिखा हुआ है एक ही बार चलेगा साइन में ना एलसीएम में अब हम जब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो सारा कोट कुछ कट जाएगा साइन थीटा रह जाएगा ठीक है ना जब हम एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा साइन रह जाएगा इसलिए साइन की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगी तो साइन स्क्वेयर के साथ एक और साइन लगने पर साइन क्यूब हो गया ऐसे ही उधर कॉस क्यूर का कॉस क्यूब हो जाएगा कॉस क्यूब अब साइंस केयर माइनस कॉस केयर सॉरी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है ऊपर अब हमारे लिए थोड़ी सी समस्या बड़ी है नीचे वाली चीज़ वैसे कि वैसे डिनोमिनेट है ऊपर है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको अभी थोड़ा समझना है हमें ध्यान से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ये पहले लिख लेते ले हैं बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी ये फॉर्मूला ऊपर लगा देते हैं ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस साइन थे माइनस कॉस इट्टा अब आता ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एबी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस एबी ठीक है अब साइन साइंथिटा माइनस कॉस कॉस्थिटा से साइन माइनस कॉस खट गया जो बच गया उसमें भी साइन केयर प्लस कॉस कॉस्केयर तो वन होता है ठीक है ना साइन केयर प्लस कॉस कॉस्केयर इज वन वन प्लस साइंस थीटा कॉसिटा ओवर साइन थीटा कॉसिटा अब आ गया हमारा आखिरी काम और हम यहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ पहुँचना है ना हमें तो हम क्या करेंगे ये जो नीचे वाला है हमारा इसको हम दोनों के नीचे अलग अलग, अलग लगा देंगे वन ओवर साइन कॉस इसी तरह से ये और ये लगा दें डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग, अलग लगा दिया ठीक है वन ओवर साइन तो होता है जी को सेकंड थीटर वन ओवर कॉस होता है जी सेकंड थीटा और ये तो कट गए देखिए यही तो प्रूव करना था सीधा करके लिख देते हैं चलो वन को पहले लिख दिया और सेकंड को सेकंड को बाद में लिख दिया अब देखिए बुक स्टेटमेंट हमें यही प्रूव करना था ये देखिए तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स जल्दी से मैं इसको दूसरे तरीके से भी एक बार आपको करके देता हूँ जो आपको पसंद आए आप उस वैसे कर सकते हैं आप देख के लेकिन इसको एक बार देख के करें और एक बार आप बिना देख के करने की कोशिश करें अपने पसंदीदा मेथड से तो दूसरे मेथड में क्या है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan theta ओवर वन माइनस कॉड थीटा प्लस कॉड थीटा ओवर वन माइनस tan theta स्टूडेंट्स में सिर्फ अभी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है इधर तो हमने याद कुछ नहीं रखा इधर तो हमने सीधा बोल दिया जी सारे साइन कॉस बना दो सभी को साइन कॉस बना दो जी इसमें हमने कुछ नहीं याद रखा बस इसमें थोड़ा सा याद रखना है इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा अभी सिर्फ आप कॉट को वन ओवर टेन बनाओ और कुछ मत करो सर अभी बाकी सबको ऐसे कैसे रहने दो तो मैंने क्या करा कॉट को वन ओवर टेन बना दिया ऊपर टेन है और इधर कुछ भी नहीं करा और अब मैंने नीचे एलसीएम ले लिया एल्सियम ले लिया तो बन गया टेन थीटा माइनस वन ओवर टेन थीटा ठीक है ऐसे कर दिया इसे देखिए अब ध्यान से मैंने ये एल्सीम ले लिया अब टेन का ओवर ये सॉरी नीचे का ओवर ओवर का ओवर जो है वो ऊपर चला जाएगा ठीक है ना टेंथ हिटा जो है वो ऊपर से चला जाएगा तो टेंथ स्क्टा हो जाएगा और नीचे क्या रह गया टेंथ हिट्टा माइनस वन स्टूडेंट्स ये टेंथ हिट्टर माइनस वन है तो यहाँ से भी हमारा टेंथ हिटा माइनस वन बन, बन सकता है अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस माइनस आ जाएगा तो इधर बन गया जी टेंथ हिटा माइनस वन स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखो हमने किया क्या यहां से माइनस कॉमन ले लिया वन माइनस का हो गया टेन प्लस का हो गया वन गया टेन माइनस वन अब ये दोनों एक जैसे हैं ये और ये एक जैसे है तो जो माइनस कॉमन लिया था वो जाके इसके साथ लग गया और प्लस माइनस माइनस हो गया यहां तक आई होप क्लियर है आपको अब ये तो एल्सीयम एक जैसा आ गया मतलब एलसीएम वही आ गया राइट right? तो ऊपर भी सेम है वही रह जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा माइनस फोर थीटा स्टूडेंट्स अब जाके हम इस कॉट को वन ओवर टेन बनाएंगे ठीक है अब हम इस कॉट को जो है वन ओवर टेन बना देंगे तो बन जाएगा हमारे पास टेन स्क्वेयर थीटा और ये बन गया वन ओवर टेन theta और नीचे हमने कुछ नहीं करना है नीचे जो है वो है टेन theta माइनस वन अब ऊपर हम एल्सीम ले लेंगे ऊपर का एल्सीम तो नीचे आ ही जाता ना तो ऊपर हमने एल्सीयम लिया वो आ गया टेन तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एज यू नो तो टेन क्यूब थीटा हो गया माइनस वन तो ऊपर ऊपर की जो चीज़ थी हमारी ये जो चीज़ थी हमारी ऊपर की फिर से देखें ये जो ऊपर की इतनी इतनी चीज़ थी टें थटा माइनस वन ओवर टेन थीटा वो बन गया टेन क्यूब थीटा माइनस वन ओवर टेन थीटा और नीचे वाली चीज को तो हमने छेड़ा नहीं डिनोमिनेटर जो पहले से था वो वैसे का वैसे लग गया अब ऊपर है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप वन को वन क्यूब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है छोटा सा थ्री यहाँ पे डाल लिया राइट तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिमाग में रखना है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है यहाँ से फिर से फार्मूला हम लिख सकते हैं बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी तो ऊपर फिर बन गया a माइनस बी ए माइनस बी मतलब टेन थटा ए माइनस पी ए टेन है ना बी वन है और यहाँ पे फॉर्मूला है ए स्केर प्लस बी स्के प्लस ए बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी टेन थिटा टेन टू वन अच्छा हमने फॉर्मूला लगा दिया और नीचे क्या था नीचे था टेंथ थीटा और है टेंथ थीटा माइनस वन तो टेंथ थीटा माइनस वन से टेंथ थीटा माइनस वन तो कट गया अब जो रहता है उसको लिखें ये है टें थीटा ये है वन का स्क्वायर वन एंड दिस इज थीटा और नीचे है सिर्फ टेंथ थीटा अब आप ध्यान से देखें कि वन प्लस टें स्केयर थीट्टर तो सिकेंड स्केयर होता है होता है ना वन प्लस टें स्केयर थीटा इज इक्वल टू सकेंड स्केयर थीट्टर और ये है थीटा ओवर थीटा राइट तो ये वन प्लस टें स्केयर थीट्टा को हमने सेकेंड स्केयर थिएटर लगा दिया था तो अब टेन्थ थीटा दोनों के नीचे अलग अलग लगा देते हैं सिकेंड स्केयर थीट्टर ओवर टेंथ थीटा प्लस टेन थीटा ओवर टेन थीटा मतलब वन ठीक है वन सिकेंड स्क्वेयर थीटा मतलब वन ओवर कॉस थीटा और टेन थीटा मतलब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा सिकेंड स्क्वेयर थीटा मतलब वन ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर नहीं लगाया था मैंने सिकेंड स्क्वेयर थीटा मतलब वन ओवर कॉस कॉस स्क्वेयर थीटा टेन थीटा मतलब साइंस थीटा ओवर कोस थीटा उल्टा है ना क्योंकि तो टेन नीचे है अब आप देखेंगे एक कॉस से एक कॉस कट गया एक रह गया क्या रह गया मेरे पास वन ओवर कॉस इंटू साइन थीटा प्लस वन तो देखो वन ओवर कॉस थीटा होता है सेकेंड थीटा वन ओवर साइन थीटा होता है को थीटा। प्लस प्लस वन यही हमें प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड तो दो मेथड हैं दोनों से आप करें जो आपको कम परेशान करने वाला मेथड लगे आप उससे इसको कर कर सकते हैं ठीक है और ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस अपने आप भी सॉल्व करने हैं अपने एक बार ऐसे सिर्फ देखने से नहीं होगा वीडियो पॉज करके साथ के साथ आप लिखें वीडियो पॉज करके आप साथ के साथ इनको लिखें तभी आपकी ये प्रैक्टिस होगी तो आज आपने आप जो हैं इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अच्छे से तैयार कर लें और बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूँ कल सुबह